बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूँ नीतू कुमारी। हर रोज की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। बीजोपचार कर ओल की बुआई करें और बचाएं अनेक रोगों से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर वीडर। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। आज की बेहतर तकनीक मुर्गी पालकों के लिए है। जो मुर्गी पालक बैकयार्ड पॉलिटी यानी घरों के पीछे छोटे स्तर पर मुर्गी पालन करते हैं, वे मुर्गियों को रानीखेत रोग से बचाने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही महीने में एकाध बार पशु चिकित्सक से परामर्श की प्रबंध भी करना चाहिए। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, अर्का आलू, ये टमाटर के उन्नत प्रभेद में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा और अर्का आलू, ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज एक हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई निकाय और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। ओल फसल की बुआई से पूर्व यदि बोए जाने वाले बीजों को सही तरीके से त्रिकोणा काट लिया जाए और उसके बाद ओल के कंदों का उपचारित कर बुआई की जाए तो ओल की बेहतर उपज हम ले सकते हैं। कवज रोग, उकटा रोग, मुरझा रोग जैसे मिट्टी जनित एवं बीज जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए वेबिस्टिन इत्यादि दवाओं द्वारा कंदों को उपचारित करना लाभकारी होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी किसी उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बगीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, चल दोंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांच कर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे गर्मियों के मौसम में मशरूम में लगने वाले रोग व कीट और निदान के बारे में। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज के दिनों में मशरूम बाजारों में काफ़ी कीमती हो चुका है और जो भी किसान भाई मशरूम की खेती कर रहे हैं उनको इनसे काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। परंतु गर्मियों के मौसम में कई बार देखा गया है कि मशरूम में अलग अलग प्रकार के रोग लग जाते हैं जिनसे मशरूम की खेती नष्ट हो जाती है और हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि मशरूम में किस प्रकार के रोग लग जाते हैं और साथ ही साथ किस किस प्रकार के कीट लग जाते हैं और इनका उपाय क्या है, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। मशरूम की सब्जी सेहत के लिए जितनी फायदेमंद होती है उसकी खेती भी आय के लिहाज से उतनी ही मुनाफा वाली होती है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी अलग अलग किस्मों की खेती सालों भर कर सकते हैं। सर, मशरूम गर्मी के मौसम में जो मशरूम में रोग लग जाते हैं वो कौन कौन से रोग होते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मशरूम एक फफूंद है और टेम्परेचर के हिसाब से हम मशरूम की खेती सालों भर करते हैं।
खास के गर्मी में हम ओइस्टर मशरूम जो कि 20 से 30 डिग्री की तापमान के बीच हो सकता है, अगर बाहर का तापमान 35-40 डिग्री के बीच है तो हम रूम कमरे का तापमान कम करके 10 डिग्री कम करके हम ओइस्टर मशरूम की खेती भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा जो है सो मिल्की मशरूम जो कि गर्मी में काफ़ी होता है और जिसका तापमान 25 से लेकर के 40 डिग्री के बीच है, इसकी खेती भी बहुत आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा एक और मशरूम होता है जो कि हमारे बगल के पड़ोसी राज्य उड़ीसा में काफ़ी मात्रा में होता है उसकी खेती, वो है पुआल मशरूम जिसे इंग्लिश में पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहते हैं, जो कि ये भी हाई तापमान पर उच्च तापमान पर इसकी भी खेती की जा सकती है। इसके लिए तापमान 25 से 35 डिग्री है। इसके अलावा कुछ लोग पूरे सालों भर भी बटन मशरूम की खेती करते हैं और वो बटन मशरूम की खेती कमरे के अंदर 14 से 18 डिग्री का तापमान मेंटेन करके करते हैं। तो सभी मशरूम की अगर हम बात करें तो सभी मशरूम में भी काफ़ी बीमारी लगते हैं, इसके अलावा अन्य कीड़े इत्यादि भी लगते हैं, लेकिन इसमें दो तरह का स्ट्रेस होता है, एक होता है बायोटिक स्ट्रेस और एक होता है एबायोटिक स्ट्रेस जो कि गर्मी में भी इसके अलावा अन्य समय में भी ये आपको लग सकता है। गर्मी में मशरूम में कई प्रकार के रोग भी लगते हैं जिनसे फसल को बचाना बहुत जरूरी होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कवक मशरूम उत्पादन की दो अवस्थाओं को हानि पहुंचाकर रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बात करेंगे बायोटिक स्ट्रेस का तो इसमें जैसे फंगल है, फंगस के चलते काफ़ी इन्फेक्शन होता है मशरूम के बैग में, मशरूम निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ मात्रा में बैक्टीरिया और वायरस भी मशरूम को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एबायोटिक स्ट्रेस का तो एबायोटिक स्ट्रेस में जैसे कि हम अगर कमरे का तापमान सही नहीं रखें तो इसके चलते भी मशरूम में कई सारी बीमारियां आती है, और साथ साथ अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन अगर सही मात्रा में वेंटिलेशन रूम में नहीं है तो अधिक ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन होने से भी मशरूम में काफ़ी बीमारी का प्रकोप होता है। कभी कभी क्या होता है कि मशरूम में CO2 कंसंट्रेशन जब ज़रूरी होता है तो उस समय हम ठीक से CO2 कंसंट्रेशन जैसे कि माइसिलियल ग्रोथ के लिए नहीं दे पाते हैं तो उस समय भी मशरूम में इन्फेक्शन होता है, और बाद में जब पिनहेड निकलता है या फ्रूटिंग होता है उस समय CO2 कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है और उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और CO2 अगर कमरा बंद रहता है कहीं से वेंटिलेशन नहीं होता है तो वो सबसे के चलते भी बीमारी आती है। अगर हम बात करते हैं शुरू से कि फंगस जो कि हम बताएं कि सबसे ज़्यादा बीमारी जो है मशरूम में फंगस के चलते आते हैं, तो फंगस में दो तीन बीमारी जो है सो काफ़ी अधिक झारखंड में अन्य इलाके में भी काफ़ी अधिक मात्रा में फैलते हैं। इसमें सबसे अधिक है कि सबसे अधिक जो ग्रीन मोल्ड है, ग्रीन मोल्ड का इफेक्ट जो है सो हमारे झारखंड में अन्य राज्यों में भी काफ़ी अधिक होता है। ग्रीन मोल्ड जो है सो आपको ओइस्टर मशरूम में भी हो सकता है, इसका प्रकोप जो है सो बटन मशरूम की खेती जो कर रहे होंगे कमरे के अंदर बटन मशरूम में भी इसका प्रकोप हो सकता है। ये ग्रीन मोल्ड जो है एक ट्राइकोडर्मा फंगस है जिसके चलते इसका इन्फेक्शन होता है। इसका ग्रीन इसलिए नाम है, शुरू में तो इसको पहचानना काफ़ी कठिन है क्योंकि इसका भी माइसिलियम जो है मशरूम के माइसिलियम की तरह व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब स्पोरुलेशन होता है स्पोर बनता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है जिसके चलते इसको ग्रीन मोल्ड कहते हैं। और ये जो है सो ट्राइकोडर्मा का मुख्य स्पेसीज जो है हर्जियनम उसके चलते अधिक होता है। जीवाणु धब्बा रोग सीडो, इसकी अगर हम बात करें तो मोनास टोलासी बैक्टीरिया द्वारा ये फैलता है और मुख्य रूप से यह केसिंग से आता है। केसिंग मिश्रण पर 0.3% कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव मशरूम के पिन हेड बनने से लेकर तोड़ने तक पानी के छिड़काव के साथ करना चाहिए। वेट बबुल और ड्राई बबुल ये दोनों फंगस दोनों भी फंगस के चलते बीमारी लगते हैं। वेट बबुल की अगर हम बात करें तो वेट बबुल जो है माइकोगोनी पर्निकोसा के चलते वो भी एक फंगस है जिसके चलते इसका फैलाव होता है। ये वेट बबुल में क्या होता है कि जब हाई ह्यूमिडिटी रूम में रहता है या जो आप केसिंग मटेरियल तैयार करते हैं खास के बटन मशरूम में या ओइस्टर मशरूम में भी जब आपका कंपो जो आप जो सबस्ट्रेट बनाए हैं अगर वो एसिडिक नेचर का है तो इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है पिनहेड निकलने के समय ही छोटे छोटे दाने आकार का मशरूम निकलना शुरू हो जाते हैं, वो मशरूम एक्चुअली नहीं रहते हैं, दाने आकार का स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाते हैं और ये हाई ह्यूमिडिटी के कारण होते हैं, इसलिए ये इसको वेट बबुल कहते हैं। उसी तरह एक होता है ड्राई बबुल, ड्राई बबुल भी जो है सो फंगस के कारण ही होता है और इसके लिए वर्टिसियम स्पीसीज का जो फंगस है वो रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें क्या होता है कि जो फल आते हैं फल पर जो है सो ड्राई स्पॉट हो जाते हैं, संकन स्ट्रक्चर बन जाते हैं
और ये जो है ये चूँकि आप इरिगेशन, जबकि मशरूम के बैग में इरिगेशन पानी का शेड्यूल एक बना हुआ रहता है कि कितना उसमें मॉइस्चर चाहिए कितना मॉइस्चर नहीं चाहिए, अगर आप ठीक से इरिगेट नहीं करते हैं रूम को या बैग को तो जिसके चलते इसका प्रकोप बढ़ जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कई बार मशरूम के ऊपर सफ़ेद रुई के समान फफूंद उग जाता है और धीरे धीरे इसका रंग भूरा हो जाता है, जिसके कारण मशरूम सड़ जाता है और दुर्गंध पैदा करता है। इसकी रोकथाम के लिए स्वच्छ, रोग रहित या निर्जमीकृत आवरण मृदा को उपयोग में लाना चाहिए। सीरीड फ्लाई जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट फ्लाई है जिसका स्कोप होता है ये, आप इसका जो आप देखेंगे कि माउथ जो है सो ब्लैक कलर का होता है और ये काफ़ी उसको अटैक करते हैं। इसके अलावा एक फोरिड फ्लाई है, फोरिड फ्लाई को भी बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। एक्चुअली इंसेक्ट में तीन पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ये फोरिड फ्लाई में जो होता है थोरेक्स जो है सो वो काले और चमकीला होते हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरा बात करते हैं तो हम पूरे मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मशरूम के बैग में जो है सो हम किसी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बचाने का भी काफ़ी उपाय है। इसके लिए हमें शुरू से सैनिटेशन मेंटेन करना होगा। रूम को हम फ्यूमिगेट कर सकते हैं फॉर्मलिन से, और फॉर्मलिन का 2% जो है सो उससे हम रूम को फ्यूमिगेट करेंगे। और इसमें यह ध्यान देना होगा कि फॉर्मलिन का जो हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन पर भी पड़ता है, जब आप उसको फ्यूमिगेट करने जाएंगे तो उस समय आपको मास्क पहनना होगा, एप्रोन पहनना होगा। इसके अलावा जो है सो हम रूम के टेम्परेचर को भी 60 से 70 डिग्री अगर कर लेते हैं 3 दिन के लिए तो आप जो है सो इससे निदान पा सकते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड में बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड हम लोग प्रिफर नहीं करते हैं, लेकिन पहले जैसे कर्बेंडाजिम प्रिफर होता था और कर्बेंडाजिम का वो भी अभी बैन होने वाला है, लेकिन इसके अलावा जो है सो सोडियम क्लोराइड, क्लोरोथेनोली, ये सब फंजीसाइड का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा गर्मियों के मौसम में मशरूम में लगने वाले रोग व कीट और निदान के बारे में। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सब्जियों में पोटाश की उपयोगिता एवं प्रयोग विधि के बारे में। किसान भाइयों, सब्जियों में पोटाश बहुत ही उपयोगी होता है। पोटाश के प्रयोग से सब्जियों में कई प्रकार के रोगों को भी दूर रखा जाता है। पोटाश के प्रयोग से सब्जियों को काफ़ी तंदुरुस्त बनाया जाता है, जिनसे वो काफ़ी अच्छे खिलते हैं और काफ़ी अच्छी सब्जियां हमारे किसान भाइयों को मिलती है। तो आइए, पोटाश का प्रयोग क्या है और उनकी विधि क्या क्या है, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम आ पहुँचे हैं दुमका जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक जयंत कुमार लाल जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि सब्जियों में पोटाश कितना उपयोगी एवं उनके प्रयोग विधि किस तरीके से की जाए ताकि सब्जियाँ जो हैं उनका उत्पादन अधिक हो। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव सब्जी है और सब्जी के द्वारा ही हम बहुत से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। सब्जी के उत्पादन में ऐसे भी अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और उसमें झारखंड भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और किसी भी फसल का उत्पादन करने के लिए मुख्यतः अत्यावश्यक पोषक तत्व की संख्या 17 होती है। इसको 3 भागों में हम उन्हें विभक्त करते हैं कि एक है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा गौण पोषक तत्व और तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, मतलब पोटाश जो है एक मुख्य पोषक तत्व है और इसका बहुत ही महत्व है हमारी खेती में। ये पोटाश जो है इसका पहले आप देख लीजिए इसका क्या रोल है, क्या इसका काम हमारे फसलों के लिए या सब्जी उत्पादन में होता है कि पोटाश जो है मुख्यतः जो होता है क्या कि कोशिकाओं को की दीवारों को मोटा करता है, और दूसरा क्या है कि ये जो है जो भी तना का जो ये उसकी परत जो होते हैं परतों को संख्या को बढ़ाता है, जिससे कि इसमें जड़ का विकास ज़्यादा होता है और आंधी तूफान में भी पौधे को खड़े रखने की क्षमता उत्पन्न करता है। एक दूसरी बात क्या है, जैसे ये कोशिकाओं के दीवारों को मोटा करता है अर्थात इसमें क्या है कि जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा दिन तक रह जाती है और ये इसके कारण पौधे जो है सूखे से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है और रोग रोधी क्षमता भी पौधे में उत्पन्न हो जाती है। इस तरह पोटाश बहुत ही उपयोगी है। पोटाश के उपयोग करने से हमारे सब्जियों के जो भी दाने होते हैं, फसलों के दाने होते हैं, वो बहुत ही बोल्ड होते हैं, चमकीले होते हैं। यह मुख्य काम है पोटाश का। पोटाश के प्रयोग करने से, अगर पोटाश का हम समुचित प्रयोग करते हैं, उपयुक्त मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दूसरे जो मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, उसको पौधे को अवशोषित करने में मदद मिलती है। ये एक बहुत ही बड़ा पोटाश का रोल होता है, क्योंकि इसकी कमी से दूसरे में भी दूसरे पोषक तत्व के पौधे को लेने में
उसको असर पड़ता है। डॉक्टर साहब आपने ये बताया कि पोटास कितना ज़रूरी सब्जियों में है, पोटास का अगर कमी हो जाएगा तो सब्जी में जो है उतना बढ़वार उसका सही तरीके से नहीं हो पाता है। पोटास के रहने से जो होता है जो स्वस्थ जो फल जो लगते हैं वो स्वस्थ होते हैं, चमकीले होते हैं। अगर प्रयोग विधि की बात करें जहाँ पे वैसी मिट्टी जहाँ पे पोटास की मात्रा कम है अगर उसमें ऊपर से डालना है पोटास तो किस तरीके से उसको डाला जाए? तो किसान भाई ये जान लीजिए कि पहले पोटास की कमी के क्या लक्षण होते हैं। पोटास की कमी जो होता है जिसमें कि पौधे जब पीलापन हो जाता है, पौधे के किनारे नुकीला से वो पीलापन शुरू हो जाता है और पौधे किनारा जो होता है जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं वो झुलस जाता है, ये मुख्य उसका काम है। बीच बीच में वो धब्बा बन जाता है, ये जब जब लक्षण आवे तभी जगह पोटास की कमी है। पोटास जो है मुख्यतः हम लोग जो है जब हम लोग सब्जी की बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं उस वक्त हम लोग देते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस के साथ उसका प्रयोग करते हैं। अब जितनी भी अनुशंसित मात्रा जिस अलग अलग सब्जियों के लिए अनुशंसित मात्रा अलग अलग होती है, तो जो भी सब्जी के लिए हम अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करते हैं खासकर सब्जी के उत्पादन में हमें पोटास को दो बराबर भाग में बांट के देना चाहिए। एक हम लगाने सब्जी के लगाने के समय में देंगे और दूसरा जब उसमें फूल या कल्ला निकलने शुरू हो जाती है उस समय में पोटास का प्रयोग करेंगे। उस समय में अगर जो हम सेकेंड डोज जो देते हैं कल्ले निकलने या फूल निकलने के समय में वो जो है उससे पौधे के उसमें सब्जियों के उत्पादन की क्षमता वो बढ़ा देती है और हमारा सब्जी ज़्यादा उत्पादन होता है। कम से कम वो है अगर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है तो 30-40% सब्जी का उत्पादन उससे बढ़ जाता है अगर हम कल्ले के निकालने समय में फॉस्फोरस का प्रयोग पोटास का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए सब हमेशा जो है एक बार नहीं देखे इसको दो स्प्लिट डोज में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो एक लगाने समय में दूसरे फूल निकलने समय में या कल्ले निकलने समय में उसका प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रयोग विधि की बात करें तो कितनी मात्रा में करना है, क्योंकि मात्रा अधिक होने से भी कभी कभी जो होते हैं फूल जो है जलने लगते हैं झड़ने लगते हैं जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए ये जो है ये जो आपने सवाल पूछा ये पोटास के लिए नहीं है। पोटास में एक इसका एक होता है लग्जरी कंजम्पशन कि जरूरत से ज़्यादा भी पौधा पोटास ग्रहण कर लेता है अपने सिस्टम में लाता है, उससे उसमें कोई हानि नहीं होती है। इसलिए ये मात्रा जो है हर सब्जियों के लिए अलग अलग मात्रा होती है ना। खासकर अगर हम जैसे कंद फसल के ले रहे हैं वो कंद की मात्रा भी बढ़ाती है अवशोषित करते ये करता है ना, तो उपाचय उसको बढ़ाता है तो उसमें ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आलू की सब्जी हुआ है ना, प्याज हो, इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा लगती है बनस्पत दूसरे फसलों में। हर सब्जी के लिए अलग अलग पोटास की मात्रा होती है। करीब करीब पोटास जो हम लोग देते हैं वो सब्जियों में अलग सब्जियों में अगर हम एवरेज करके हम देखें तो 150 kg से ऊपर 250 kg के बीच प्रति हेक्टेयर के रूप में ही हम लोग उसको देते हैं, क्योंकि पोटास जो है बहुत बड़ा रोल है पोटास का। करीब जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उतना या उससे ज़्यादा ही पोटास भी देते हैं हम लोग। पोटास ज़्यादा रहने पर भी सब्जियों में या कोई फसलों में कोई हानि नहीं होती। और अंत में चलते चलते हमारे किसान भाई को क्या बताना चाहेंगे? हम अपने किसान भाइयों को ही बताना चाहेंगे चलते चलते कि किसान भाई खासकर झारखंड के परिवेश में सब्जी की खेती आप करते हैं बहुत अच्छी खासी होते हैं और सब्जी की खेती वहाँ होती है जहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे भी हमारे झारखंड में पानी की सुविधा बहुत उपलब्ध है और सब्जी की खेती में किसान भाइयों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो अगर सही समय पर हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन करें खासकर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास है ना, इसका अगर प्रबंधन करें तो उसी मेहनत में हमको करीब करीब 30-40% ज़्यादा सब्जी उत्पादन हो सकता है, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन की लागत है वह कम होगा और जब उत्पादन की लागत कम होगा तो हमको फायदा ज़्यादा होगा, उससे हमारा इनकम ज़्यादा होगा। किसान भाइयों आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हरियांगन का प्यारा साही दर्शन, कृषि 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 दर्शन।